ये सवाल आप दर दिन पूछ रहे हो और मैं भी आपको यही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कल भी कहा था अगले 5-6 दिनों में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और महाराष्ट्र में एक पॉपुलर गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार दिसंबर से पहले बन जाएगी, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन है, तो कुछ कानूनी पेज भी होते हैं उसमें, लेकिन जब राज्यपाल के पास हम बहुमत का आंकड़ा लेके जाएंगे तो राज्यपाल महोदय हमें सरकार स्थापने का न्योता देंगे। ये प्रक्रिया है, यह पहले भी हुआ है इस देश में, और किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो सबको सरकार बनाने के लिए यही प्रक्रिया से जाना पड़ता है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है वो सरकार नहीं बना पा रही है, तो जिम्मेदारी और पार्टियों पर आती है कि स्थिर सरकार देना है। महाराष्ट्र में बहुत सी समस्या है, किसानों की समस्या है और भी है, और लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार बने। प्रधानमंत्री से अगर कोई नेता मिलता है तो खिचड़ी ही पकती है क्या? प्रधानमंत्री देश के है, महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है, पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब किसानों के बारे में हमेशा सोचते। अगर कल किसानों के मामले में उद्धव ठाकरे साहब अगर दिल्ली में आते हैं, हम सभी सांसद अगर मोदी साहब को मिलते हैं तो क्या खिचड़ी पकती है? हम तो सदन हो या बाहर हो, देश के प्रधानमंत्री है, कोई भी जाकर मिल सकते हैं। और पवार साहब कृषि क्षेत्र के एक जाने माने व्यक्ति है, राज्य में क्या हालत है उनको पता है, और हमने भी 2 दिन पहले जाकर पवार साहब को ये रिक्वेस्ट किया था कि राज्य की जो हालत है उस बारे में प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करिए।